Hello everyone, welcome to my channel. My name is Abhishek and I'm back again with another video. वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ. पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि 2019 ऑफ कैंपस जो रिक्रूटमेंट का भी नोटिफिकेशन आ रहा है वो डालने के लिए, वो बताने के लिए. तो मैं इस वीडियो के लिए तो सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो में जो मैं डाल रहा हूँ वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें मास हायरिंग होने वाला है. तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले ही मैं डाल दूँ, लेकिन हाँ 2019 वाले जो हैं, अगले वीडियो आपका ही है, तो आप पेशेंस रखिए. और आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको. फिर बढ़ते हैं आज का हमारा मेन जो टॉपिक है, NPCIL. ओके, ET रिक्रूटमेंट 2022 फ्रेशर्स एंड 2021 में भी पास आउट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और 2020 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सबसे पहले हमारा तो ये होगा कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट. पोजीशंस हो गया एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ET, वैकेंसीज हो गया 225 पोस्ट वैकेंट है. तो आप, बहुत बड़ा मौका है, आप इसे इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिए और इसमें अप्लाई जरूर जरूर कीजिए. मैकेनिकल 87 पोस्ट, केमिकल 49, इलेक्ट्रिकल 31, इलेक्ट्रॉनिक्स 13, इंस्ट्रूमेंटेशन 12, सिविल 13. सैलरी एज पर इंडस्ट्री सैलरी तो अच्छी होती है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो BE BTech और BSc, 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech विद मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स इन वन ऑफ द सिक्स इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स. वन ऑफ द सिक्स इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स मतलब मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल. हमें 60% चुका होनी चाहिए. अब कोई भी यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, AICTE से रिकॉग्नाइज्ड है. ओके, मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स मीन्स द मार्क्स एज पर द ऑर्डिनेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी. एप्लीकेंट्स मस्ट हैव ए वैलिड और गेट 2020 और 2021-2022 पास आउट होनी चाहिए. अगर अपीयर हुए हैं आप तभी अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो हमारा जो डिसिप्लिन था सिक्स वो ये है. लास्ट डेट 28 है और मैक्सिमम एज 26 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज. ठीक है. ओके, मंथली स्टाइपेंड आपको 55,000 और वन टाइम बीए आपका 18,000. मैंडेटरी लॉजिंग एंड बोर्डिंग जो NPCIL वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, पर ये मेरा मुद्दा नहीं है. मेरा मुद्दा है कि मुझे अप्लाई कैसे करना और मेरा सिलेक्शन कैसे होगा. ओके, तो एप्लीकेशन फी 500 है EW, OBC, EW सब जनरल के लिए, और सिर्फ मेल और फीमेल SC ST सब फ्री. गवर्नमेंट है तो फ्री ही होगा. पेमेंट मोड ऑनलाइन, अगर आप इच्छुक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं. तो अप्लाई करने के लिए मैं अप्लाई लिंक पर क्लिक करूँगा. उससे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो लॉन्च हुआ था तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा. ये है हमारा ऑफिशियल, ठीक है, 225 पोस्ट और OBC में 63, ST में 19, SC में 34, EWS 21 और UR unreserved 88. ओके, ये सब कैटेगरी वाइज है तो आप देख लो थोड़ा सा. इसमें भी रिजर्व्ड है, मैकेनिकल में भी ब्लाइंड के लिए रिजर्व्ड है, लो विजन के लिए भी रिजर्व्ड है, डीफ के लिए भी रिजर्व्ड है, हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए भी रिजर्व्ड. मतलब इसमें एक दो सीट सब के लिए रिजर्व है. तो आप जो रिजर्व है आप यहाँ से देख सकते हैं. फिर ज़्यादा नहीं है पर फिर भी है, ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है. और जो भी रिजर्व्ड है उनको भी पास भी बहुत बड़ा मौका है, तो मौका का फायदा जरूर उठाएं. 13 अप्रैल को इसका रिलीज हुआ था और 28 अप्रैल को ये क्लोज हो जाएगा. 500 फीस है इसके, तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा. हाँ, एक चीज़ मैं कहना जरूर चाहूँगा, मैक्सिमम एज सभी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है तो आप देख लें. ऑल इन ऑल 26 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी OBC NCL है तो आप 3 ईयर्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको, इसमें 5 ईयर्स मिल जाएंगे. ओके, तो आप इसमें देख लीजिएगा. ओके, इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा, बस वही सब दिया हुआ है ना. और मुझे अप्लाई कैसे करना है तो मैं उस पर चलता हूँ. ओके गाइस, चलो ये हमारा, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे अप्लाई लिंक क्लिक हेयर पे तो आप इस पेज पे आ जाओगे. ठीक है, अब इस पेज पे आने के बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे अप्लाई करना होगा. अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा. अप्लाई के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक करूँगा तो ये आएगा, ये पेज खुलेगा. तो ये पेज है इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 11 से ज़्यादा होना चाहिए, मोज़िला फायरफॉक्स वर्जन 52 एंड अबव,
गूगल क्रोम 55 एंड अबव होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, वरना पूरी चीज़ पूरी सबमिट इसमें नहीं कर पाएंगे। ये रिक्वायरमेंट है, इसे तो मानना ही पड़ेगा। पोस्ट अप्लाइड ओबियसली एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, मैकेनिकल मान लो, कुछ भी जिस जो आपका है वो डाल सकते हैं। गेट ईयर, किस साल में आप गेट क्वालिफाई किए थे, 2020, 2021, 2022, कुछ भी। रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको, यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। गेट का कैटेगरी अपना चुन लेना है, और डिसेबल्ड है तो यस नो, फिर सबमिट करके फिर आपको वो आएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। तो आप फिर से अप्लाई नाउ पर क्लिक करके लॉग इन पर क्लिक करके उसके बाद अपना वो लॉग इन करके सब कुछ उसमें डालोगे तो आप अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो ये था हमारा इसके लिए, ठीक है, वहाँ से आपका अप्लाई हो जाएगा। और हाँ, अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो इस नोटिफिकेशन को पूरे जरूर टाइम देना है आपको, ठीक है। अब सब कुछ मैं तो नहीं पढ़ूंगा, आपको अप्लाई करना होगा, आप को तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बाद में इंटरव्यू होगा तो आपका होगा ना, तो आपसे पूछे जाएंगे, कोई चीज़ मिस ना हो आपसे, उससे मिस हो सकता है, पर अगर आप पढ़ोगे, आप अप्लाई कर रहे हो तो आपसे मिस नहीं होगा। तो इस वीडियो में मेरे पास दो नोटिफिकेशंस थे, मैं एक नोटिफिकेशन मैंने बता दी, फिर अगली वीडियो आने वाली है वो NTRO की तरफ से है, तो उस वो वीडियो भी मास हायरिंग का है, तो आप जरूर से जरूर उस वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, और फिर अपने दोस्तों को भाई को शेयर जरूर कीजिए ये वीडियो ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठा सके। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द लास्ट, एंड वी विल मीट इन अगेन इन नेक्स्ट वीडियो आफ्टर 2 to 3 hours. Okay guys, thank you.